शोएब अख्तर अपने अग्रेसिव नेचर के लिए हमेशा जाने जाते थे, चाहे वो ऑन फील्ड हो, चाहे वो ऑफ फील्ड हो, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे वो क्रिकेट खेल रहे हो, तो ऐसे ही है उनका नेचर। लेकिन मुझे काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ वक्त के साथ उनका नेचर चेंज हो गया और वो बहुत हंसने लगे हैं, हंसाने लगे हैं, तो इसलिए तन्मय भट्ट ने उनको आज गेस्ट के तौर पर बुलाया था। उसी पर आज हम मैशअप रिएक्शन देखने वाले हैं, पाकिस्तानीज आर सैवेजेस। बहुत सारी मीम्स आएगी, बहुत मज़ेदार बातें होने वाली है, एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं शोएब अख्तर जी और बहुत सारे लोग भी है, जाकिर खान जी भी है, स्टैंड अप कॉमेडियन भी है। तो देखते हैं इस पे मैशअप रिएक्शन, आपको मैशअप रिएक्शन देने मजा आया तो वीडियो लाइक जो करना, चैनल को सब्सक्राइब जो करना। हेलो हेलो, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ पाकिस्तानीज आर सैवेज। लेट मी इंट्रोड्यूस द पैनल टू यू गाइस। आज हमारे साथ है आशीष शाक्या, वेलकम आशीष, वेलकम। We have advertiser aka Vishal Dayaba, welcome. We have cider OP, which is Gopal sir. Aaj picture shoot nahi kare Gopal sir, thank you very much for joining us. And of course we have the OGs, we have Shire OP here, Shire sir, all the way from America, welcome sir. And of course Ryder, the OG with us from the very beginning. And of course guys, you might see a very special face here, the one and only Mr. Shoaib Akhtar has joined us. Hey, welcome sir, welcome. Sir, हमारे बात है, क्या बात है सर, हमारे शो पे एक प्रथा है सर, जो भी यहाँ पे आता है उनका एक स्पेशल नाम दिया जाता है हमारे इस यूनिवर्स में। जैसे विशाल एडवर्टाइजर है, जाकिर भाई शायर है, गोपाल सर साइडर है क्योंकि उनको देख के सब साइड हो जाते हैं, ईशान भाई राइडर है, तो आपके लिए क्या नाम दिया जाए? डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर एकदम ही हैवी हैवी सुना। जाकिर भाई आपका कोई सजेशन था? मेरा सजेशन था यॉर्कर ओपी। बट सर देखो यॉर्कर सीरीज में राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर की गिल्लियां याद आई, यॉर्कर ओपी भी कुछ बुरा नहीं रहेगा। वो स्टंप्स आज भी कहीं दूर पड़े हैं और उनको याद रखे डिस्ट्रॉयर अच्छा नाम है। नहीं पड़े रखे हैं, लकली कहा ने ना वो कहा कि यार के वो स्टंप्स कहां है, हमने अभी एनएफटीज बना के बेचने हैं। मैंने कहा यार और काम धंधा तो है नहीं, इंडिया ने वैसे ही बंद कर दिए। तो वो कहीं से ना बैग से वो निकाली स्टंप, कोकोला लिखा हुआ है, तो वो फिर हम स्टंप मैच की, देखा यार हम बाकी वही स्टंप्स हैं। तो मैंने आपके थ्रू मार्केटिंग करना चाह रहा हूँ, प्लीज स्पेक्ट वो चेकआउट। शोएब अख्तर एनएफटी। शोएब भाई मेरे को एक बात बताओ, आप मीम्स वगैरह तो दिखते ही हो, मुझे जानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सबसे फनी कौन है, कौन एकदम ही हिलेरियस है जिसके साथ बैठ के आप मस्ती कर सकते हो? यार मैं आपको सच बताऊं, ये सारे कॉमेडियन थे, जाज भाई, मुशी भाई, इंजी भाई, वसीम अकरम, तौबा। अच्छा फिर जितने ये पंजाबी साइड के थे, यूसुफ, शोएब मलिक, तौबा। एक दिन हम एमिरेट्स की फ्लाइट में जा रहे थे, दुबई जा रहे थे, तो यूसुफ फर्स्ट क्लास सीट में बैठ के फिर चादर लेके आज लेट गया ऐसे करके, तो मलिक गुजरा पास से कहता है यूसुफ भाई शेव कराने बैठे कल्चर ऐसा नहीं यार, हम बस काम धंधा ज्यादा करते नहीं, खाना खाते हैं और बस मजाक करते हैं, फिर उसके बाद बहुत एक टायरिंग काम करते हैं वो सोने वाला। Gentlemen, if we're done with the fanboying, does anyone have any questions? I have a fanboying incident. मुझे आपको देख के बस वो मेरा याद आ रहा है, 13-14 साल की उम्र पे थे आई थिंक हम जब आपने डेब्यू किया था और सबने आपको कॉपी किया, आई थिंक इस पैनल पे सबने आपकी एक्शन कॉपी करने की कोशिश, सबने ट्राई किया फास्ट यॉर्कर इन स्विंगिंग, निकला स्लो मीडियम ऑफ कटर, बेस्ट निकलता था गांगुली। देयर इज अ बायलाइन फ्रॉम अ न्यूज़पेपर आई रिमेंबर व्हिच आई वांट टू कोट हियर, वी आर सिटिंग with a person who is faster than his own metaphor. ओह जेरी, रावलपिंडी एक्सप्रेस इतना तेज नहीं चलती जितनी इनकी बॉल, वो तो है यार। मैं तो ये बोला था, देख रहा था जाकिर का, मैं देख रहा था भी किसी यूनिवर्सिटी में था जहाँ पे कह रहा था कि मैं बड़ा सख्त लौंडा हूँ, and he talks about यार very funny, absolutely funny, मुझे इतना मजा आया जाकिर को सुन के, जाकिर I'm a huge fan यार। Thank you भाई, thank you very much। और मैं आपको मैं अपना किस्सा बता देता हूँ आपके, क्या कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं लेफ्ट आर्म बॉलिंग करता था बचपन, तो एक आप लोगों को शुक्रिया मुझे कहना है कि आपने बड़ा एम्बेरस, गरीबी की कहानी बात, ठीक है, एम्बेरसमेंट से बचाया सारे बॉलर्स ने मुझे। तो क्या है कि स्कूल में आप बढ़ता पैर होता है आपका, तो जूता अक्सर फट जाता है, अगर 25 तारीख के आसपास फट गया तो आपको 5 दिन तो पहन के जाने ही, तो ये वो दौर है जब सब आप लोग जो है फटे जूते पहन, मंथ एंड होता है ना, क्योंकि पैर में बहुत प्रेशर पड़ता है पैर, तो मेरी क्लास में सब लोगों को ये लगा कि जाकिर शोएब अख्तर कॉपी करता है, ठीक है, इसलिए क्योंकि वो भी फटा जूता, हम दोनों शक्ल में मिलती है बस भाई सर।
की बॉलिंग तो नहीं मिलती थी ना, सिर्फ जूते से ही करती थी। तो बॉलिंग तो मैच नहीं करती थी, जूते से हमने अपना एसोसिएशन बना लिया। एसोसिएशन पता है हमारा भी, पता है क्या बात है, आज 15 साल हो गए बेचारे को ये हुए। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैं शाप से कहता था यार ये जो चैनल बॉलिंग है, चैनल बॉलिंग ये यहाँ पे करो, लाइन लेंथ पे करो, लाइन में। मैं कहा बॉब कितनी पेस का मैंने क्या घंटा करना है, अबे भाई मैं चैनल बॉलिंग करने थोड़ा ही आया हूँ, मुझे बेटा मारना की तरफ है, गिराना की तरफ है, मैच कैसे करना है। लारा आ गया अंदर, तो लारा को मैंने 7 साल से बॉलिंग नहीं की हुई, तो लारा जो अंदर आया तो मैंने कहा यार लारा इज एन ऑनर टू बॉल यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 8 years। आगे से लारा कहता है आई वांट टू किल मी, मोस्ट लाइकली बट नो। तो मैंने बॉलिंग नहीं की थी, तो अंदर गया तो बॉब बोलो बैल्कनी में खड़ा हुआ है, मुझे कह रहा है उसकी बैकलिफ्ट बहुत हाई है, यॉर्कर का यॉर्कर। मैंने कहा अच्छा यॉर्कर करता, मैंने 97 माइल्स पे यॉर्कर किया, उस साले ने किया बॉल लगा वापस आ गया, मैं बॉब बोलो की तरफ देखा, मैं कर लाना तेरी शक्ल पे। हम वहां थे लखनऊ में, हमारा मैच हो रहा है, रात को पार्टी वार्टी थी, तो मैंने सचिन में कहा मैं इतना अच्छा मजा आ रहा है यार, मुझे भाई उठाने दो यार, तुझे छोटा है सचिन इतना बड़ा थोड़ा। मैंने सचिन को उठाया सचिन स्लिप हो गया, कुछ गिरा उसी कमर पे लगी, तो मैंने उसको जाकर पकड़ा उठाया, मैंने कहा यार सचिन लगी तो नहीं, कहता अगर मुझे इंजरी हो जाती ना तो ये इंडिया वाले जला देते। घुटने फारग उड़ गए थे, बहुत कम लोग जानते, मुझे अब यही था कि यार जो क्रिकेट खेलनी है दिलेरी से खेलना, तगड़ा खेलना और जितनी जान है लगा दो। सोहेब भाई आपने ऑस्ट्रेलिया मेंशन किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना, और अभी भी रिसेंटली क्योंकि शेन वॉर्न है जो इतने हमारे भी सबके फेवरेट स्पिनर ऑल टाइम है, उनके साथ का कुछ आपको याद है, शेन वॉर्न के साथ का कोई मूवमेंट? शेन वॉर्न के साथ यार बड़ी मेमोरीज है, मैं अभी भी ऑनेस्ट विद यू, बड़े 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 लार्ज हार्टेड बंदा, ऐसे लगा दोस्ती में अच्छा, मदद करने में, और इतना बड़ा बॉलर, इतना बड़ा बॉलर जिसके अंदर फास्ट बोल चुका होगा, ये वो स्पिनर था इसके अंदर फास्ट बोल चुका कोई ना, ऑफेंसिव पर था, ऑफेंसिव पर बड़ा यार तकलीफ हुई। तेंदुलकर ने भी सीखी थी उनसे बॉलिंग, इतना जल्दी चला गया। ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट वसीम, शेन वॉर्न, सचिन, greatest of all time in the history of cricket. बचपन से ही मतलब if there's one person who we all saw and said कि यार fast bowler बनना है, that is Shoaib Akhtar. Such a pleasure to have. मतलब एक बच्चे से लेके अगर पूछो ना, चलो शुरुआत करते हैं। Left वाली देखूं या right? Right वाली। औकात देखो भाई साहब। और फनी हो जाता है जब आप इमेजिन करो औकात देखो भाई साहब, लड़कियों की आवाज में इमेजिन करो, लाइक दे आर सेइंग इट टू यू। अस्सलाम वालेकुम फैज भाई, कैसे हो? गुड। और आप? खुद ही बात कर रहा है अपने आप से ही। ओ इज आस्किंग कसाई हो, कसाई हो, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें किया करते हैं। गुड गुड गुड। और आप? माय गॉड, गूज़बम्स खड़े हो गए। और गूज़बम्स की स्पेलिंग देखो भाई, गूज़बम्स। आप अपना ही समझ गए लेकिन इब्राहिम भाई। सर स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे बेटा, एग्जाम में मुजरा नहीं। आपकी स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई ठीक होती थी? हमारे? हाँ, आपकी स्पेसिफिकली? यार मैं एक्चुअली आई वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, मैं एफए तक मतलब ग्रेजुएशन तक गया, तो उसका क्रिकेट स्टार्ट करती थी, बहुत तेज फास्ट लर्नर हूँ, और मैंने शरारती बहुत है, बहुत ज्यादा शोएब भाई मतलब एग्जाम में भी एकदम एग्रेसिव, मतलब फ्रंट फुट पे पहले 10 मार्क्स पे रहते थे। ऐसा होता था कि लाइक हमारे स्कूल में लाइक अगर आप स्पोर्ट्स खेलते थे तो टेबल पे तो टीचर्स को पता होता था कि मतलब ठीक है लाइक कर लेगा थोड़ा मस्ती, इट्स फाइन, इसको ज्यादा नहीं बोलते, लाइक वाज इट दैट स्टार स्टेटस। मैंने लड़कियों की क्रिकेट स्टार्ट की थी, बी ऑनेस्ट विद यू, हमारे एमए ब्लॉक होता था, लड़कियों का ब्लॉक होता था, तो उनको इंप्रेस करने के लिए मैंने बॉलिंग स्टार्ट की, तो वो खड़ियों की देखती है बहुत तेज फास्ट बॉलिंग करता, मैं लोकल स्टार बन गया था। तो फिर जब मुझे लिफ्ट नहीं मिली, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल पे आता था, तो लिफ्ट नहीं मिली, तो मैंने देखने नहीं, मुझे इतना रियलाइज यार कि मुझे इस गेम में आगे जाना चाहिए। सिंस स्कूल टाइम शोएब अख्तर वाज लिटिल वीक फॉर फाइन लेग्स। शोएब अख्तर, शोएब अख्तर वर्जन ऑफ कैंडी ओन दी सी।
पापा की परी हूँ मैं और मैं पापा का गुलाब जामुन. व्हाट? ये देखो. यस. इन नाइट नुसरत साहब हिट्स डिफरेंट. क्यों जाते हो रात में फिर उनके पास? और दोस्तों पहला आईडी बीइंग ह्यूमन है जो सलमान भाई, दूसरा एसआरके है जो यार मेरे को एक बात पूछनी थी आपसे भाई. आप शाहरुख खान के साथ मतलब आपने बहुत काम किया, आपने केकेआर में, आप सलमान खान से आपका स्टाइल बहुत मैच करता है आपका, जैसे आप बात करते हैं जैसे आप रहते हैं, तो ये आप उनसे मिले क्या कभी? सलमान साहब बहुत टाइम गुजारा मैंने, बहुत ही जबरदस्त. सलमान भाई आपकी और शाहरुख भाई जो मैच करते हैं वो ये की आप तीनों पार्टी बहुत लेट तक करते हैं. पार्टी तो आप लोग? अरे 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 नहीं, रणवीर सिंह नंबर ले गया भाई. Random boy and every girl DM. शादी कर ले मुझे से, प्लीज प्लीज मुझे नए कपड़े चाहिए उसके लिए. लाइक आंटी से ना कि बेटा तुम शादी कर लो, हमें डांस करने का मन कर रहा है. बड़े दिनों से बुफे नहीं गए. हाँ बड़े दिनों से बुफे नहीं गए. शादी हो चुकी है, सिंगल हो सारे? मेरी जस्ट सारे सिंगल हैं. विशाल की जस्ट हुई, सबसे नौजवान विशाल है, सारे बाकी बूढ़े हैं. सी वेर ऑल सलमान खान फैंस यू नो. शाहरुख खान पर अभी शोएब भाई हमारे भी 10 साल पहले नीज जवाब दे चुकी, पर हम भी लगे हुए ऑफेंस पे. हालांकि वो बताते नहीं है. वो बताते गोपाल भाई पूछा. निशान भाई की शादी भी शोएब भाई की इंजरी की तरह खींच रहे हैं. When you ask your siblings to bring glass of water, siblings. मेरे हाथ नहीं है. अगर इमेजिनिंग कोई बड़ा प्लेयर 12th मैन बन जाए तो ये करता होगा. प्यास लगे तो मत बुलाओ, इंजर होगा तो बताना मुझे, ठीक है? पानी खुद पिया. आई एम योर हस्बैंड, यू शुड स्टार्ट कॉलिंग मी आप. शट अप. आप भी लगा लीजिए. और देखो शोएब भाई की ट्वीट. हियर इज अ न्यू लुक, होप यू गाइस लाइक इट. ट्वीटेड शोएब अख्तर. वीरेंद्र सहवाग, ऑर्डर लिख, एक बटर चिकन, दो नान. इनकी जुगलबंदी बढ़िया लगती है. मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, तू दे मुझे, मैं ट्राई करता हूँ. ये अच्छा था. आपका मुझे पूछना है, लाइक व्हाट इज द मोस्ट द थिंग दैट यू स्पेंड मनी ऑन दैट इज वेरी सिली बट आपको मजा आया? यार मैं बहुत शॉपिंग पैसे लगाता हूं. मैनेजर साहब बैठा हुआ, बहुत पैसे लगाता हूं शॉपिंग में. लेके आता हूं चीजें, लेके आता हूं, फिर उनको देखना शुरू कर देता हूं. तो फिर मैं कहता हूं अबे साले नहीं, वो नहीं लव्स कैसे. अरे भाई पर वो लव्स हम तक पहुंचा. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम रीचेस पाकिस्तान आफ्टर 24 इयर्स. ऑस्ट्रेलिया इतनी दूर रहे? सौ रहा था, मिलने कब आएगा? सोमवार को. लव यू भाई, लव यू 100 सो मच ब्रो. हाँ भाई दे दूंगा तेरे 100 रुपए, ऐसी बेइज्जती मत कर. 100 लगा रहा हर एक चैट में. पाकिस्तानी टीम में 100 रुपए बोरो उधार लेने वाला कौन होता रहा सबसे पहले? कि भाई 200 रुपए दे दे कुछ खरीद के आना है. एडिंग दैट शोएब भाई. शोएब भाई, शोएब भाई. हां मुरली मुझे शोएब कहता है, सहवाग को सहवाग कहता है. मैं जो अभी ओमान खेलने गया ना, कसम खुदा की मिलियन की डील कर रहा है. कौन? मुरली. मुरली मुरली 2 मिलियन डॉलर इधर भेज दो, 4 मिलियन डॉलर इधर भेज दो, 20 मिलियन डॉलर इधर भेज दो. मैं कहा माफ कर दे भाई, माफ कर दे. बड़ा अच्छा आदमी होगी. सारे अच्छे लेकिन छोड़ते बहुत है. छोड़ते बहुत है. समवन, आई एम श्योर यू लुक प्रिटी व्हाइल स्लीपिंग, मीनवाइल मी. ये वो कौन थे वो प्लेन में चद्दर उड़ के बैठे थे वो शेविंग गाड़ी मर्सिडीज ली नहीं, ब्रांड न्यू लेके चलता हूँ. साला को देखता नहीं है मेरी तरफ, गाड़ी की तरफ भी देखता, मेरी तरफ भी देखता. कहता हाँ. वो इसलिए देखते ना, वो समझते होंगे ड्राइवर गाड़ी साफ करने जा रहे हैं. मैं तुम्हारे प्यार में मरा जा रहा हूँ,
तुम कुछ कहोगी नहीं जाकिर भाई? अल्लाह है हाँ जी शाहरुख खान ने पढ़ी थी ना उसके बाद दुआ पढ़ो फूके नहीं मारो सिर्फ दुआ पढ़ो जवाब पत्थर से दो शुरू करते हैं यार तुम लोग यार थैंक यू सर थैंक यू सो हैप्पी यू कुड जॉइन अस सर गुड नाइट वेट क्या हुआ अगर तुम्हारे सोने के बाद मैं किसी और लड़की से बात करने लगूं तो पहले मुझे सोने के लिए तो बोलो क्या गर्लफ्रेंड बनेगी रे तू उठ जाए फजर पढ़ ले एंड डोंट फॉरगेट टू रिसाइट सूरह यासीन नमाज पढ़ लीजिएगा नमाज पढ़ लीजिएगा नमाज पढ़ लीजिएगा नमाज पढ़ लीजिएगा टाइम देख उठा ही नहीं गुड मॉर्निंग मॉर्निंग तमीज से पूरा गुड मॉर्निंग लिखा है मैंने ज्यादा बैड बिच बनने की जरूरत नहीं है शोएब भाई वैसे टीम में सबसे बड़ा आशिक कौन था भाई आप शोएब भाई से पूछ रहे हो बात योर हेयर लुक गुड थैंक यू 14th के क्या प्लान्स है वैलेंटाइन डे लग रहा है आई डोंट हैव वैलेंटाइन वेनिल्टन वैलेंटाइन स्पेलिंग भी नहीं आती कितने कोशिश करिए भाई कोशिश मोहम्मद जबील भाई ने पोस्ट किया है न्यू प्रोफाइल पिक मोहम्मद जबील भाई ने कहा है ब्यूटीफुल भाई ने एक हफ्ता वेट किया पहले और फिर कोई नहीं यार नहीं ठीक है भाई रात को 10-11 पीएम दारू पी के खुद को ट्वीट किया होगा एक हफ्ता वेट शर्मा आपको पता है ये बात ये मतलब ये बहुत कॉमन नॉलेज है इंडिया में कि इंडियन लड़कियों को पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स थे बहुत सेक्सी लगते थे लाइक मैं अभी दोस्तों के साथ बचपन जब मैच देखने आता ना हमेशा सो क्यूट वाला चलता रहा तो एज इंडियन बॉयज थोड़ा ऐसा लगता रहा कि ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे जरा मनोज प्रभाकर को भी देख लो क्या कर रहे हो तुम लोग मतलब सारी फिल्में इमरान खान पे जाएगी तो मनोज प्रभाकर को कौन देखेगा मनोज प्रभाकर भी इमरान खान को देखता ओ भाई एक बार तो पूछा होगा कि सर कौन सा शैम्पू लगाते लाइक 100% बॉलिंग तो होती रहेगी शैम्पू से थर्ड अंपायर ड्यूरिंग अ डीआरएस रिव्यू यस थैंक यू माइक फॉर द रिव्यू रॉब कैन यू प्लीज शो मी द हॉट स्पॉट एंड देन ब्लॉग स्पॉट Okay, that's fine. And now, can you do a bowl, baby bowl, rock and roll? Okay, that's fine. Okay, can you give me the side on view and front view and Minare Pakistan view and every other view? Okay, that's great. Okay, guys, you're on screen now. मुझे नहीं पता क्या हो रहा है आप खुद ही डिसाइड करो थैंक यू लास्ट में छोड़ अंपायरिंग लेने की क्या सोचा है भाई मेरे 25 साल में फील्ड में खड़ा रहा हूं मुझे ऐसा लगता है कि अगर शोएब भाई अंपायर होते तो किसी दिन बॉलर से छीन के बॉल ले लेते कि इतनी धीरे डाल रहा मुझे दे मैं खुद ही कर मैं स्पिनर हूं देंगे करना क्या है क्या है उस गाड़ी में कितने लोग आ सकते हैं गाड़ी में एक आ सकता है क्योंकि फॉर्मूला स्टाइल का है फॉर्मूला 1 का फॉर्मूला 1 में कितने लोग बैठते हैं छोटी ये हमने देखा फॉर्मूला है छोटी गाड़ी है उसमें एक ही बदला होता है अभी फॉर्मूला बनाया आप लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंट किया है गाड़ी में इससे फॉर्मूला स्टाइल कार जैसे फॉर्मूला कार होती है उसमें एक ही बंदा होता है जस्ट द रेस कार स्टार ये हमने देखा था तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं उसमें बैठकर आप बैठे हैं कभी बिल्कुल हमने चलाया है उसको वैसी ही तेज चलती है जैसे पेट्रोल वाली गाड़ी चलती है या बिल्कुल वैसी चलती है बिल्कुल वैसी और हॉर्न भी बजाने के लिए उसमें कोई खर्चा है अभी इनको ये नहीं पता चला कि उसमें डिक्की नहीं होती आज ही जान आज तक शो में नहीं गया इनके बाद शोएब भाई हम आपके दोस्त होते तो हम आपको मना करते कि शो पे मत जाना पर हम आपके फैन हैं तो हम दरख्वास्त करेंगे प्लीज चले जाना प्लीज चले जाना सुनो बोलो शॉर्ट मेरी गलती थी सॉरी सॉरी थी सॉरी सॉरी
सॉरी ओ हाँ मुझे पता था तुम्हारी गलती है, चलो कोई बात नहीं बोलो बस नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना। बोलर करते हैं ना जैसे कि वो दो बॉल यहाँ तीन बॉल वहां डाली और चौथी सीधा वो मिसडायरेक्ट करके वैसा वाला लगा बिल्कुल। ये चार वाइट आई एम फेसिंग पिंपल इश्यूज दीस डेज जेन, क्या कर सकता मैं? आई थिंक सम जेंटल किसेस फ्रॉम योर साइड कैन हेल्प। बाजी आपके मजाक के लिए मैं अपना मुंह गंदा कर लूं? कॉल मी डैडी। फीस भर दियो फिर। ये बढ़िया था। पीती हैं आप जी? शर्म नहीं आती? मैं कौन सा कपड़े उतार के पीती हूँ? अपने पैसे की पीते हैं, उसमें क्या शर्म है? It's true that girls love rich guys. बाद में DM करता हूँ, अभी बैटरी डिस्चार्ज है तो नया फोन लेने जा रहा हूँ मैं। देखो, girls love rich, देख तो। मैं बहुत खुश हूँ कि शोएब भाई मेरे साथ ये शो कर रहे हो अभी, तो कैसा लग रहा है इंजमाम अल हक को इतने साल बाद मिलने के बाद? मैं ये पहले बोल रहा हूँ, मुझे पता है टॉप कमेंट यही होने वाला है कि सो नाइस टू सी शोएब विद इंजी भाई आफ्टर वेरी लॉन्ग। मेरा आखिरी सवाल है शोएब भाई कि जब आप, एक तो आप इंडिया कब नेक्स्ट आ रहे हो, और जब आओगे तो क्या हम आपको मिलके एक मील खा सकते हैं साथ में, क्या हम खाना? अगर आप दुबई आ रहे हो तो वो हमें बताओ। शोएब भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत मजा आया, मुझे समझ में भी नहीं आया कि कहाँ पे एक घंटा चला गया, और अब तो ऐसा लग रहा है कि दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा और गप्पे लगाएंगे, जल्द मिलेंगे। शोएब भाई थैंक यू सो मच। प्लीज डू इनवाइट मी अगेन यार, मैं फिर आऊंगा इंशाल्लाह। वुड लव इट शोएब भाई, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग लाइक एन एक्सटर्नल लाइक अ यू नो फेमस गेस्ट, एंड What a great way to start. The bar has been set extremely high. बिल्कुल बिल्कुल हम सब का। Next सचिन लेके आओ मान दो। Next क्या? सचिन लेके आओ। सचिन लेके आओ। भाई आपके बाद अगर सचिन से किसी की बनती है, अदिति अगर। All right उसी बात पे comment छोड़ो, like ठोको, subscribe करो, मिलते हैं अगली बार, bye। क्या बात है, मतलब एक से एक मजेदार मेम्स देखने को मिली है, वो experience भी मिला क्रिकेटर का, स्कूल लाइफ का भी पता चला शोएब अख्तर जी की, वो मेम्स क्या मजेदार थी, स्पेशली कॉल मी डैडी, नमाज पढ़ ले, फीस तू भर दे, तो बहुत सारी एंटरटेनमेंट हो गया एक ही वीडियो में, इसलिए शायद बहुत लंबी वीडियो थी, लेकिन जिसने भी देखी होगी मजा करा होगा इस वीडियो का। आपको भी मैसेज प्रेक्शन थे मजा आया तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, तो मिलते दूसरी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।